हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एम ए रसोई में। आपने करेला की रेसिपी तो आपने कई बार बना के खाई होगी, मगर इस तरीके की रेसिपी शायद ही है आपने कभी खाई हो। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पहले हमने जो 3 करेले ले लिए हैं, करेलों को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें करेलों को अच्छे से लोटा पलटा कर हमें चारों तरफ हमें अच्छे से इन्हें भूनना है। देखिए इस तरीके से हम लौटाते पलटाते जाएंगे और चारों तरफ हम इन्हें भून लेंगे। हमने उलट पुलट के हमने सेक लिया है, 5 से 6 मिनट हमें लगे हैं करेला को भूनने में। अब हम गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। देखिए हमारे करेला अच्छे से भून चुके हैं, ऊपर की स्किन है जो वो काली पड़ चुकी है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें हमने पानी रख लिया है 1-2 गिलास हमने, और जो भुने करेलों को इसमें हम डिप कर देंगे। हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे, हमें हाथों से मसलते हुए भी अच्छे से वॉश करना है करेलों को। देखिए जो ऊपर की स्किन है, देखिए वो हमारी भुन चुकी है। देखिए इस तरीके से हमें हाथों से रगड़कर हमें करेलों को साफ करना है। देखिए जो हमने पानी लिया था वो हमारा देखिए काला पड़ चुका है। अब इसे हम 2 से 3 पानी में हमें वॉश कर लेंगे। हमने करेलों को देखिए 3 से 4 बार हमने वॉश कर लिया है। हमें करेलों को जब तक वॉश करना है जब तक करेले से साफ पानी ना निकलने लगे। अब इस तरीके से हम करेलों को निचोड़ लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से हमें तीनों करेलों को निचोड़ लेना है, इस तरीके से दबाते हुए हाथों से इसमें रख लेंगे। हमने करेले को पलट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके करेले के जो दोनों साइड के किनारे हैं इन्हें अलग कर लेंगे और इस तरीके से पीस कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पीस कट कर लेना है हमें। हमने करेले को इस तरीके से कट कर लिया है। देखिए हमारे करेला सॉफ्ट भी हो चुका है और अंदर तक हल्का हल्का पक चुका है। अब हमें बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। हमने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं। तेल को अब गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम जरा डाल देंगे जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे। अब जी आधी चम्मच हम सौंफ को भी इसमें डालेंगे। 2 से 3 चीची हम डालेंगे राई के दाने। इन्हें सबको अच्छे से हम चटकने देंगे। देखिए सब अच्छे से चटक चुके हैं। देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हमने एक प्याज काट के रख ली थी, प्याज को इसमें डिप कर देंगे। प्याज को हमें हल्का पकाना है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जो लंबे लंबे हमने 3 से 4 हमने हरी मिर्च को भी काट लिया था। क्या हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। देखिए प्याज पक चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है प्याज का। अब इसमें हम जो हमने 2 टमाटर को हमने इस तरीके से पीस लिया है, टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, अब इसमें हम जो भी ऐड कर देंगे हम चला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम जो स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे और साथ ही में हम सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें जो धनिया है, धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच जाएगा इसमें मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच जाएगा जो हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हमारा टमाटर भी पक जाएगा, हमारे जो मसालों हमने जो ऐड किए हैं ये भी पक जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ये अमचूर पाउडर। क्या है, करेला की रेसिपी बना रहे हैं तो अमचूर पाउडर बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्या इससे टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है करेले की रेसिपी का। हमारा मसाला देखिए पक चुका है। देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने करेले को हमने काट के रखा था, मसाले में हम अच्छे से इन्हें मिला लेंगे। और हमें 2 से 3 मिनट हमें स्लो आँच में हमें करेले को हमें पकाना है हल्का, क्योंकि हल्का करेला हमारा पहले से ही पक चुका है। और थोड़ा और हम इस तरीके से 2 से 3 मिनट हम चलाते हुए पका लेंगे। हमने करेले को हमने 3 से 4 मिनट हमने इन्हें गैस की फ्लेम को स्लो करके हमने अच्छे से हमने पका लिया है। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमारे करेला देखिए सॉफ्ट हो गया है, और आधा सॉफ्ट हमारा भुंजन में हो गया था तो मसाले में भी हमने सॉफ्ट कर लिया है इसे स्लो आँच में।
अगर आपका करेला ज़्यादा कड़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। देखिए आप इस तरीके की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगी। हमने लगातार हमने 4 से 5 मिनट हमने इस तरीके से चला लिया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए हमारी गर्मा गर्म करेला की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, सर्व करने के लिए तैयार है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।